Audio कैसे आप सब ठीक ठाक होंगे अभी आज जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं कि मैं आप लोगों को स्लिमिंग वर्ल्ड का थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन के साथ साथ बताऊं कि इसमें जैसे हमने शुगर का वन स्पून अगर लिया है तो उसमें वन सिन होते हैं जो स्वीटनर है वो फ्री है लेकिन जैसे व्हाइट ब्रेड है इसमें फोर एंड हाफ सिंस हैं और जो 800 ग्राम लोफ होती है उसमें से होल व्हील ब्रेड जो है उस टू मीडियम स्लाइस जो है वो जो है वो सिं फ्री है फॉर स्लिमिंग वर्ड रेगुलर मेो जो है उसमें फाइव सिंस पर लेवल टीस्पून है टेबल स्पून और जो एक्स्ट्रा लाइट मे है उसमें वन सिन है सो so, इसके अलावा जो है जैसे हम रेगुलर ड्रेसिंग यूज़ करते हैं फॉर सेलर्ड्स के लिए उसके लिए थ्री एंड एंड हाफ़ सिन पर टेबल स्पून है और फैट फ्री के जो है उसके लिए वो फ्री है इसके अलावा रेगुलर मिल्क हम यूज़ करते हैं वो टू एंड एंड हाफ के सिंस है पर हंड्रेड एम और जो स्किम्ड मिल्क है वन वन एंड एंड हाफ सिंस है पर हंड्रेड एम रेगुलर योगर जो है वो फोर एंड ए हाफ सिंस है और जो इसके अलावा फ्री जो तो योगर्ट है वो फ्री स्लिमिंग वर्ल्ड वालों ने बताया हुआ है अच्छा फ्रेश फ्रूट जो है वो कोई सा भी खा सकते हैं हम अपनी शॉपिंग लिस्ट में फ्रेश फ्रूट्स को ऐड करें वेजिटेबल्स को ऐड करें लेटेस्ट टमाटो अनियन पेपर्स मशरूम्स रेडिश क्यूखम्बर कैरेट कॉर्जेट्स प्रोकली कैबेज पोटेटोस और जो फ्रूट्स हैं उसमें एप्पल बनाना ग्रेप्स और जो सट्रिक फूड होते हैं वो ज़्यादा गुड होते हैं और जैसे पेकड बीन्स हैं मशी बीन्स हैं और इसके अलावा जैसे पास्ता है ब्राउन पास्ता और ब्राउन राइस और ये वाली जो चीज़ें हैं ये लो इन कैलोरीज़ हैं और इसके अलावा जैसे हम विनेगर खाते हैं स्पाइस जितने भी हैं और स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट एंड पेपर यूज़ कर सकते हैं सोया सॉस ऑस्टेस्टर सॉस टमाटो प्यूरी और स्टॉक जो हम यूज़ करते हैं हैं वो सब जो है स्लिमिंग वर्ल्ड में हम यूज़ कर सकते हैं अच्छा अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो एस साइंस है जो है स्पीडी फूड है सो स्पीडी फूड जो हैं आर वेरी लो इनर्जी होते हैं लेकिन दे हैव वेरी गुड पावर जो होता है वो अपने आपकी वेट लूज करने के लिए उसको बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है प्रोटीन रिच फूड जो होते हैं जैसे हम पोल्ट्री है जैसे फिश है और दालें हैं ये वाली जो हैं ये प्रोटीन बेस होती हैं हम इनको यूज़ अपने डाइट में ज़रूर करना चाहिए वन पोर्शन जो है वो स्पीडी फूड का होना चाहिए वन प्रोटीन फूड का होना चाहिए और कैल्शियम को जो है वो आप अपनी डाइट में भी ज़रूर ऐड करें क्योंकि जब हम वेट लूज़ कर रहे होते हैं तो उसके बाद हम वेरी लो एनर्जी होते हैं और कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है ये कुछ आइडियाज़ दिए हुए हैं इसलिए वोल्ड ने ब्रेकफास्ट के लिए दिए हुए हैं लंच के लिए दिए हुए हैं और क्योंकि बेसिकली इसमें कुछ हलाल और हराम का भी होता है लेकिन हम उसको जो है वो मैनेज करके जो है मैं इसी वजह से जो डिशेज़ हैं वो बना रही हूँ ताकि हम लोग जो खाते हैं हम उसको अपने हिसाब से चला सकें अभी सॉरी है मेरी राइटिंग को लेकर लेकिन मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रही थी जो मैंने नोट डाउन किया था कि स्मार्ट कार्ब्स टू लूज वेट बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि जैसे स्वीट पटेटो है या पटेटो है वो वो गुड नहीं है हम अपने वेट लूज में नहीं खा सकते हैं तीन हजार टाइम जो है वो विटामिन ए स्वीट पोटैटो में मोर है इंस्टेड ऑफ पोटैटोस आप स्क्वैश जो है जैसे पम्पकिन है जैसे हम जिससे हम uh, पपाया कहते हैं और जो हम ये जो चीज़ें ये इसमें एक uh, जो है पम्पकिन में थर्टी सेवन कैलरीज हैं हंड्रेड ग्राम में बनाना जो है वो हमारी एनर्जी को जो है वो बूस्ट करता है हमारी मसल को रिकवरी करता है जब हम एक्सरसाइज़ वगैरह करते हैं ब्रोकली जो है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है ओट्स जो है वो फुल ऑफ़ न्यूट्रिशन है फुल ऑफ फाइबर है और इसे हमारा स्टमक भी फुल रहता है बीट रूट वेरी गुड ऑफ एनर्जी है तो बीट रूट को भी हमारी डाइट में जो है वो ज़रूर शाम बाहर ले लें जैसे जौ का आटा एक जो जौ का आटा का हाफ कप जो है नाइन्टी सेवन कैलोरीज हैं सो अगर हम जौ का आटा यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम उससे फुल भी रहते हैं और वो कैलोरी वाइज भी इतना ज़्यादा नहीं है तो हम उसको ईजिली खा सकते हैं अच्छा अब कुछ फूड ऐसे हैं जिन्हें हम सो कॉल डाइट फूड कहते हैं और लेकिन वो डाइट फूड जो हैं वो हमें मेक यू मोर फैट वो हमें ज़्यादा मोटे करते हैं उनके लिए जो है सबसे पहले जो है कि हमने ये जो डाइट सोडा है ना जैसे हम कहते हैं शुगर फ्री कोक है डाइट फ्री कोक है कि एक डाइट कोक में जो है वो टू हंड्रेड टाइम्स मोर शुगर है आ, और इनक्री इंस्टेड ऑफ जो हम नॉर्मल कोक पीते हैं उसकी निस्बत क्योंकि स्वीटनर जो है वो मोर इसको हैवी करता है प्रोटीन बार जो यूज़ करते हैं वो प्रोटीन बार जो है वो लो इन शुगर ज़रूर है लेकिन इसको आर्टिफिशल शुगर एज वेल और आर्टिफिशल शुगर जो ये यूज़ करते हैं वो टू हंड्रेड टाइम जो है वो मोर दैन उसमें शुगर ऐड उस होती है तो उससे बेहतर यही है ना कि एक वन एटी कैलोरी से लेकर टू ट्वेंटी कैलोरी की जो चॉलेट बार है इज़ इक्ल टू प्रोटीन बार ओके okay, एक न्यू थिंग ये है कि जो फैट फ्री योगर्ट हैं लो फैट मिल्क है जीरो कैलोरी ड्रेसिंग है उसके लिए जो है वो एक रिसर्च मैंने ये भी की है कि फ़ैट इज़ नॉट योर एनमी फैट जो है वो हमारी दुश्मन नहीं है फ़ैट ही फ़ैट को बर्न करती है ठीक है तो जो हेल्दी फ़ैट हैं उनको हमारी बॉडी की बहुत ज़रूरत होती है विटामिन ए डी ई के ये जो है ये इसमें हेल्दी फ़ैट्स होते हैं और ये जो है इससे हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बहुत हाई होता है तो जो हम कहते हैं कि हमने लो फैट योगर्ट यूज़ किया है बेसिकली लो फैट योगर्ट इज़ नो लो इज़ नो मीन्स कि हम उसको वो लो कैलोरी है स्टिल उसमें में शुगर लेवल जो है वो स्टिल हाई है लो फैट मिल्क है या स्किम्ड मिल्क है या लो फैट योगर्ट है उससे बेहतर ये है कि हम जो घर में बना हुआ योगर्ट है वो यूज़ कर लें ग्रीक योगर्ट यूज़ कर लें फुल फ़ैट मिल्क यूज़ करें फुल फ़ैट योगर्ट यूज़ करें। और ये जो चीज़ें हमारी बॉडी को जो है वो अगर कैलोरीज़ दे रही हैं तो इसके अलावा वो इतना फैट दे रही हैं कि वो हमारी फ़ैट को जो है वो बर्न कर सके और हम हेल्दी खा रहे हैं इंस्टेड ऑफ़ हम आ, शुगर फ्री के चक्कर में जो है वो हम एक्स्ट्रा शुगर जो है वो आ, ले रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें जो थी ये मैंने नोट डाउन की थी होपफुली आपको हेल्प करेंगी और इसके अलावा जो है मैं और भी अगर रिसर्च वग़ैरह करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और अभी टाइम था मॉर्निंग का और मॉर्निंग मैंने मैंने अपना ड्रिंक पीने के बाद उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ पैनकेक्स अच्छा अभी कुछ लोग ये हैं ये कहेंगे कि पता नहीं ये पैनकेक्स किस तरह बनते हैं और ये वो लेकिन अगर आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा ये मैंने वन फोर्थ कप जो था वो योगट लिया था ये मेरा घर का बना हुआ योगट है और जैसे चार चम्मच जो थे मैंने इसमें आप ओट्स के डाले हैं ओट्स जो है वो आप डालें एक ही एक ही आप चक में डाल लें चाहे आप ग्राइंडर में डाल लें डालने के बाद ये मैंने सिनेमन का पाउडर डाला

तकरीबन वन एट टी स्पून या हाफ़ टी स्पून आप लें एक एग इसमें फुल डालूंगी और एक एग डालने के बाद इसमें मैं अभी कोई स्वीट ऐड नहीं करूंगी इसमें स्वीटनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको इसको स्वीट करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा जो है मैं इसमें पानी ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है ताकि पैनकेक्स जो हैं वो थोड़े से फ्लफी बने फूले फूले से बने और ये डालने के बाद ये सब कुछ मैं एक ही जग में डाल रही हूँ थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है अच्छा इस स्टेज पर जब मैं इसको मिक्स कर रही थी ना तो मुझे याद आया कि मैंने इसमें डालना था तो मैंने वो करूँगी जब मैं इसको एक दे दूँगी तो उसके बाद आया था कि मैंने इसमें बनाना भी ऐड करना है तो मैंने हाफ़ बनाना इसमें ऐड किया था तो सबसे पहले मैंने इसमें किया था। योगर्ट के साथ मैंने इसमें ओट्स ऐड किए थे ओट्स के साथ मैंने इसमें डाला था और इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और हाफ़ बनाना ये सब कुछ के इंग्रीडियंट है गर्म हो गया था तो मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑल डाला था अगेन कोकोनट ऑयल नहीं है तो देसी घी ले लें एक सालन का जो चम्मच होता है उसमें डालें डालने के बाद ये ऐसे जो है छोटे छोटे पैनकेक्स बना लें अब इनको जो है मैं पकने छोड़ूंगी इतनी देर तक के लिए कि ये जो ऊपर से जो है ना ये हल्की आग पे पकेंगे बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं लेकिन ये अच्छे से जो है ये बबल्स जो हैं ये पक रहे और उसके बाद ये टर्न कर लें ये देखें बिल्कुल ऐसे ही पैनकेक बने हैं जैसे हम मैदे से बनाते हैं बहुत मैसे के बने हैं अभी इस पैन के ऊपर आप हनी डाल दें इसके ऊपर आप कोई सा भी फ्रूट डाल दें बनाना डाल दें कुछ भी डाल दें एप्पल डाल के खा लें कोई भी आपके पास जो है ना वो आप इसको खा सकते हैं और ये बहुत हेल्दी जो है ये ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है ये तकरीबन थ्री हंड्रेड कैलोरीज तक का एक ब्रेकफास्ट था कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसा शेयर ना करूँ कि जो आप लोग को नहीं बना सकें सब कुछ हो ही बनाऊं जो आप लोग आराम से अपने घर में बना सकें लेकिन मज़े का भी हो और डाइट में भी इजीली आ जाए तो ये जो थे ये तकरीबन मेरे थ्री पैन केक्स बने थे और ये मैंने इसको पर देखे बनाना हाफ जो मेरा लेफ्ट बनाना था जैसे हाफ मैंने पैनकेक के बैटर के अंदर डाल दिया था और हाफ़ जो बच गया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और डालने के ऊपर बनाना ऊपर डाल दिया थोड़ी सी ब्लूबेरीज थी जो मैंने बिल्कुल नहीं खाई मेरी बेटी आई और वो उठा उठा के खा के चले गई थी साथ में एक चाय का कप था ये मेरा ब्रेकफास्ट था ब्रेकफास्ट के मैंने तकरीबन घंटे के बाद मैं चली गई थी वॉक के लिए और आजकल जो है मैं तकरीबन सिक्स किलोमीटर जो है वॉक कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले जो था वो घर में एक्सरसाइज करती होती थी और एक्सरसाइज़ मेरी तकरीबन तीस से चालीस मिनट की होती थी लेकिन अभी जो है वो एक्सरसाइज के लिए इतनी मोटिवेशन नहीं आ रही है करती हूँ एक्सरसाइज़ लेकिन जैसे मैं जंपिंग जैक्स करती हूँ और इसके अलावा प्लैंक्स वगैरह करती हूँ लेकिन फुल जो है वो तीस चालीस मिनट की एक्सरसाइज नहीं होती सो so, मैंने वॉक स्टार्ट कर दिया अच्छा घर आई थी आने के बाद फ्रेश वगैरह हो, हो के हाफ एन आवर के वेट के बाद मैंने पहले ढेर सारा पानी पिया था और उसके बाद फिर ये जो मेरा लेफ्ट ओवर सूप जो था जो मैंने बनाया हुआ था मैंने वो वाला सूप अपना जो है वो दोपहर में मैंने यूज़ कर लिया था अभी मैं बनाने लगी हूँ शाम का खाना और आज जो है वो मैं बना रही हूँ खड़े मसाले का चिकन और ये वाला जो चिकन है इसके साथ आप अगर रोटी खानी है तो आप एक रोटी जो है वो खा सकते हैं Uh, बहुत इजी है अगर आप ओट्स की रोटी बना लें ओट्स और जो आपका नॉर्मल आटा है उसको मिक्स करके आप एक रोटी बना लें इसमें जो है मैंने साबत मसाले डाले थे थोड़ा सा जो था मैंने इसमें मेथी दाना भी ऐड किया है और इसके अलावा कलवंजी ऐड की है और इसमें मैंने पेपरिका डाली है वन टी स्पून हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाला है सॉल्ट डाला है हल्दी डाला है धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ये सब आप अपने अंदाज़े के मुताबिक और प्याज जो थे वो मेरे तकरीबन दो थे उनको मैंने छोटे छोटे थे इसलिए मैंने उनको रफली सा जो है वो ऑमलेट स्टाइल चॉप कर लिया था और उसके बाद इसमें टमाटर ये सब कुछ पानी डाल के मैंने पकने छोड़ दिया था जब मसाला गल गया था तो उसमें मैंने योगर्ट डाला था तकरीबन वन टी और वन टेबल स्पून सॉरी वो डालने के बाद मैंने उसको अच्छा सा जो था वो मैंने मिक्स कर लिया अभी ये देखें इतना अच्छा सा मसाला बन गया है कि मुझे इसमें इतना ज़्यादा जो है वो तेल की और किसी जो बहुत ज़्यादा ऑयली जो होता है उसकी ज़रूरत नहीं है स्टिल ये देखें ये छोटा चम्मच जो है वन टी मैंने इसमें कोकोनट ऑयल डाला है और ये डालने के बाद Uh, मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी तकरीबन चार से पाँच मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी क्योंकि हमें तो इसका ये तो नहीं है ना कि इसमें तेल ऊपर आना चाहिए और हांडी फिर ही रेडी होगी हांडी तो मेरी बिल्कुल पक चुकी है मीट कल चुका है गोश्त बहुत अच्छे से रेडी हो गया अभी मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है और थोड़ी सी जो है वो मैं इसमें कसूरी मेथी डालूँगी और ये डालने के बाद मैं इसको जो है ढक्कन लगा कर दो चार मिनट के लिए छोड़ दूंगी तो ये मेरा बहुत अच्छा सा जो था वो खड़े मसाले वाला चिकन रेडी हो गया था इस चिकन को आप ब्राउन राइस के साथ खा सकते हैं इसको आप प्लेन सैलड के साथ खा सकते हैं इसको आप आ, ब्राउन पास्ता बॉयल करके उसके साथ मिक्स करके खा सकते हैं इस चिकन को जो है वो आप एक चपाती के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं और इस चिकन को जो था मैंने जो था मैंने आ, होम मेड जो थे मैंने चिप्स बनाए थे और चिप्स मैंने आलू के नहीं बनाए थे मैंने स्वीट पोटैटो लिए हैं और स्वीट uh, पटेटो जो है ये वन स्वीट स्वीट पटेटो जो होता है इसमें एटी नाइन कैलोरीज होती हैं सो so, मैंने ये वाला हंड्रेड ग्राम स्वीट पटेटो ये वाला छोटा सा मैंने एक स्वीट पटेटो लिया था और इसको जो है मैंने ऐसे जो है चिप्स की शेप में काट लिया एक मैंने गाजर ली थी और गाजर के जो है मैंने ऐसे चिप्स की तरह काट लिए ये काटने के बाद पानी बॉयल करूँगी और उसके अंदर ये डाल दूँगी और जब एक इसमें बॉयल आ जाएगा हल्का सा जब ये सॉफ़्ट हो जाए सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं सॉफ्ट करना लेकिन एक बॉयल आ जाएगा तो मैं इसको जो है छान लूँगी इसका पानी अच्छे से छानने के बाद इसको थोड़ा सा स्पाइस लगाने के बाद मैं इसको ओवन में डाल दूंगी ताकि चिप्स का जो है वो एक अच्छा सा कलर आ जाए तो इतनी देर में जितनी देर में ये पक रही हैं मैं अपने लिए सैलड बना रही हूँ और सैलड में जो है मैं मूकम्बर गाजर और जो हम ये कच्ची सब्ज़ी जो खाते हैं ये जो है ये बहुत लो इन कैलोरी होते हैं और ये डाइजेस्ट आपके फूड को करने में बहुत हेल्प करते हैं तो जो आप खा रहे हैं अगर आप सब्ज़ी जो है जैसे सैलड आप उसमें यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके जो है सैलड आपके जो आपने खाया होता है उसको है डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है तो आप कुछ भी खाते हैं उसमें आप अपने सैलड को ज़रूर ऐड करें चाहे थोड़ा सा करें कुछ भी आपके पास है खीरा टमाटर प्याज़ कुछ भी ऐसा है तो आप उसको ज़रूर अपने सैलड में ऐड करें और ये जो है मैंने थोड़ा सा क्यूकम्बर ले लिया था थोड़ी सी गाजर ले ली थी बंद गोभी और इसके अलावा जो मैं इसमें जो मेरा पत्ता जो लेटस था वो मैंने आपके सामने पानी में जो डाल के रखा हुआ है वो मेरा तकरीबन सात आठ दिन हो गए हैं बंद गोभी तो बिल्कुल मेरी ख़राब नहीं हुई है लेकिन लेटेस्ट के जो पत्ते हैं वो थोड़े बहुत नरम होने शुरू हो जाते हैं तो एक वीक में आप इसको ख़त्म कर लें लेकिन बंद गोभी जो है वो इसलिए दस दिन निकल जाती है और ये देखें ऐसे ही मैंने ये फ्रेश पाइन जो है वो ले कर उसके मैंने ऐसे मोटे मोटे पीस जो हैं वो काट के डब्बे में डाल के मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ है सो तो जब भी मुझे सैलड खाना होता है मैं इस तरह पाइन के जो है वो पीस काट के मैं इसमें डाल देती हूँ अगेन अगर आपके पास पाइन नहीं है और आप ऐसे नहीं डाल सकते तो आप इस सैलड में जो है वो हाफ एप्पल भी डाल सकते हैं इस इसी तरह जैसे मैंने छोटा छोटा काटा है आप एप्पल को भी इसी तरह काट के डाल लें और इतना मज़े का वो भी सैलड बनता है क्योंकि हमें सैलड जब हम खाते हैं तो हमें बोरिंग लगना शुरू हो जाता है उसमें हमें थोड़ा सा कुछ स्वीट चीज़ चाहिए होती है जिसकी वजह से सैलड जो है वो हमें खाने में मज़े का लगे तो ये जो है ये मैं इस तरह अभी मैं इसमें पोर्शन बनाऊँगी क्योंकि सारी बात है ये मुझे भी खाना है मेरे हस्बैंड को भी खाना है तो इतना ज़्यादा पोर्शन हम अपनी डाइट में जो है वो नहीं लेंगे तो अभी मेरे चिप्स जो थे वो बॉयल हो गए थे और अब मैं उसमें जो है वो थोड़ा सा जो है ऑलिव ऑयल डालूँगी और ऑलिव ऑयल डालने के बाद मैं इसमें जो है आप अपनी पसंद की कोई सी भी सीजनिंग डाल दें मेरे पास रोज मसाला जो शान का पड़ा हुआ था मैंने वो डाला थोड़ा सा जो है मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला था और थोड़ी सी पार्सले डाली थी ये डालने के बाद क्योंकि शान का जो रोज़ मसाला है उसमें ऑलरेडी सब कुछ होता है बहुत थोड़ा सा डाला था ज़्यादा नहीं डाला और उसको डालने के बाद अच्छा सा जो है वो मिक्स कर लिया मिक्स करने के बाद उसी में जो है थोड़ा सा इसमें टमाटो जूस डालूंगी और इसको इसी में मैं जो अपनी वो जो मैंने बना के सब्जी रखी हुई है उसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और क्योंकि जो हमने कभी भी हम जैसे चिप्स खाते हैं तो उसके ऊपर हम इतना सारा नमक डाल के खाते हैं नमक कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए चाहे आप सैलड खा रहे हैं सैलड अगर आप ऐसे खा रहे हैं तो आप उसके ऊपर नमक ना डालें सिर्फ ब्लैक पेपर डाल लें और लेमन जूस डाल लें और अगर आप खा रहे हैं सब्जियां खा रहे हैं या आप ऐसे चिप्स खाते हैं तो जब चिप्स आप कुक करते हैं तो आप उसको थोड़ा सा नमक लगा लें और उसके बाद आप उसको फ्राई कर रहे हैं फ्राई कर लें उसको ओवन में डाल रहे हैं या एयर फ्राई कर रहे हैं कुछ भी ऐसा लेकिन आप उसको सॉल्ट लगाने के बाद फिर पकाएं कच्चा नमक खाना जो है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है कच्चे नमक से जो है वो वेट बहुत जल्दी गेन होता है तो ये देखिए ऐसे मैंने उसको थोड़ा सा लगा लिया था लगाने के बाद मैंने बेकिंग ट्रे में जो है वो ग्रीस प्रूफ पेपर डाला और उसके ऊपर ये अच्छा सा फैला दिया इसको मैं ओवन में रखूँगी तकरीबन पंद्रह मिनट के लिए और हंड्रेड एटी सेल्सियस पे और इसमें इतने मज़े की ये जो हैं ये वेजेज़ वाले जो हैं चिप्स रेडी हो जाते हैं कि वो जो हमें फ़्राई वाले चिप्स हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई थी तो मैंने मेरे डिनर में मेरा थोड़ा सा जो मैंने खड़े मसाले का सालन बनाया था वो लिया था थोड़ी सी वेजिटेबल चिप्स ली थी और थोड़ा सा सैलड लिया था तो ये मेरा डिनर था उम्मीद है कि आपको आज की भी जो वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताइएगा और अपना सब बहुत ख्याल रखें मुझे भी दो में याद रखें अल्लाह हाफ